हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। डे स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन खबर लेके आया हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, जिन जिन लोगों ने NRL का एग्जाम दिया था, न्यूमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का एग्जाम दिया था, उनकी लिस्ट आउट हो चुकी है कि कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं इंटरव्यू के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आपके फर्दर एक स्टेप, आपने क्वालिफाई कर लिया है अपना इंटरव्यू एग्जाम, अपना जो रिटन एग्जाम है वो क्वालिफाई कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप एंड नॉन इग्नोरेबल स्टेप जो है आपका, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जो कि GT और पर्सनल इंटरव्यू, आज उसी के लिए मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। वीडियो को शुरू करते हैं। सो जैसा कि आपको पता है कि आपने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की पोस्ट पे फॉर्म भरा होगा और सक्सेसफुली कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू गाइस जिनका भी लिस्ट में नाम आया है। आपको पता है आपने एग्जाम दिया होगा 21, 22 और 23 सितंबर को आपने एग्जाम दिया होगा NRL का। अब बारी है दूसरे पड़ाव, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पड़ाव की, ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू। जितनी मेहनत आपने रिटन टेस्ट में की है, उतनी ही मेहनत की रिक्वायरमेंट आपको GT एंड PI में है, एंड एक राइट गाइडेंस की आपको नीड है। चलिए, सो दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ डेट्स आपको लिए आपके पास में लेके आया हूँ। आपको बड़े ध्यान से इन डेट्स को देखना है। निम्बस लर्निंग विच इज पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी ने आप लोगों के लिए ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू के गाइडेंस प्रोग्राम आपके लिए रखा है डियर स्टूडेंट्स, जो कि टोटली NRL के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा। सारा का सारा एनवायरनमेंट वही होगा आपके लिए, इन टर्म्स ऑफ HR, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, एवरीथिंग। ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं एंड ऑफलाइन भी आप हमारे जयपुर सेंटर पे आ सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को लोकेशन की प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन में भी आप अपना शेड्यूल करवा सकते हैं। ब्रांच वाइज अगर मैं बात करूं तो मैकेनिकल ब्रांच के जो इंटरव्यू चलने वाले हैं वो 6 दिसंबर से 10 दिसंबर ही NRL का स्लॉट है। यहां पे हम उनका GT करवाएंगे 26 नवंबर को। मैकेनिकल ब्रांच का 26 नवंबर को GT है और आपके इंटरव्यू ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही शेड्यूल किए गए हैं। 24 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक आप यहां पे हमें ऑनलाइन इंटरव्यू, अपना पर्सनल इंटरव्यू दे सकते हैं। जो भी आपको स्लॉट अच्छा लगे आप चूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 6 और 7 दो स्लॉट दिए गए हैं। यहाँ पे ग्रुप टास्क की आपको डेट दी गई है, 28 नवंबर को हम ग्रुप टास्क कराएंगे और सिमिलरली 29 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक आपके इंटरव्यू के स्लॉट रहेंगे। अगर केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, तीन डेट, तीन स्लॉट में यहाँ पे आपका NRL स्लॉट दिए गए हैं। हम आपका 30 नवंबर को GT करवाएंगे और आपकी 1 दिसंबर से लेके 7 दिसंबर तक की विंडो है, आप कभी भी अपने इंटरव्यू को शेड्यूल करवा सकते हैं। मेटलर्जी की बात करें तो मेटलर्जी में कम बच्चे शॉर्ट लिस्ट है, शायद कम सीटें हैं इसके अंदर, तो 10 दिसंबर को बेसिकली NRL का स्लॉट है। हमने 2 दिसंबर को आपका यहाँ पे GT रखा है और आप अपना 3 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक आप अपना इंटरव्यू शेड्यूल करवा सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच 12, 13, 14 तीन स्लॉट दिए गए हैं यहाँ पे। हम आपका 4 दिसंबर को बेसिकली क्या कराने वाले हैं, GT करवाने वाले हैं। 5 से लेकर 11 दिसंबर तक आपके इंटरव्यू के स्लॉट होंगे, कभी भी आप अपना करवा सकते हैं फिक्स। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 12-13 को दो शिफ्ट में आप बेसिकली दो स्लॉट हैं आपको अकॉर्डिंग टू द NRL। आपका 6 दिसंबर को बेसिकली हम GT करवाने वाले हैं और 7 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक बेसिकली आपके इंटरव्यू शेड्यूल होंगे। सिविल इंजीनियरिंग में 15 और 16 दो स्लॉट दिए गए हैं, 15 को और 16 को ही आपको NRL में आपके इंटरव्यू होने वाले हैं। हमने GT सिविल वालों के लिए 8 दिसंबर को रखा है और यहाँ पे 9 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर तक हमने आपके इंटरव्यू शेड्यूल रखे हैं। सो डियर स्टूडेंट, दीज आर द शेड्यूल एंड दीज आर द बेसिकली इंटरव्यू स्लॉट फ्रॉम आर साइड। अगर किसी बच्चे किसी पर्टिकुलर ब्रांच में है और इन स्लॉट वाइज किसी को कोई दिक्कत है किसी, तो हमें फोन करके आप हमें बेसिकली अपने जो डेट्स हैं वो चेंज भी करा सकते हैं। देर इज नो इशू, ये हार्ड एंड फास्ट डेट नहीं है कि इसके अलावा इसके पहले बाद में कुछ होगा ही नहीं। बेशक हो सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। GT में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। GT यहाँ से वाला यह भी दे सकते हैं, यहाँ से वाला ये भी दे सकता है, तो रिजिड नहीं है बिल्कुल भी। आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग बेसिकली हमें बता सकते हैं अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग की दिस इज माई केस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारी वीडियो, आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। और अगर GT और PI के आपको ऊपर प्रश्न कर सकते हैं, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइस। सो मिलते हैं फिर GT और PI में। कोई भी क्वेरीज है गिवन नंबर पे आप कॉल करें और अपना स्लॉट फिक्स करें। कोई भी क्वेरी है वो भी हमें बताएं, हम आपके साथ हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। मिलते हैं, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।
If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.